हेलो व्यूअर्स, रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। कैसे हैं आप सब? आज मैं बनाने जा रही हूँ नारियल लड्डू। इसमें केसर भी डलेगा, ऐसे आप नारियल केसर लड्डू भी कह सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक फ्रेश नारियल को मैंने छील करके और 4 इलायची डाल के ब्लेंडर में इसको ब्लेंड कर दिया है। ब्लेंडर में एकदम फाइन पाउडर होना चाहिए इसका, कोई गुठली नहीं होनी चाहिए इसमें। जो बहनें मायके से दूर हैं, जो दूसरे स्टेट में रहती हैं, वो मायके नहीं जा पाती हैं रक्षाबंधन पे, तो थोड़ा सा मन तो उदास होता ही है, लेकिन मन को समझाते हुए आप कृष्ण भगवान को राखी बांध सकती हैं। हर भाई बहन की अटूट प्रेम को दर्शाने वाला त्यौहार है ये। आप कमेंट करके बताएं कि आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया इसे। चलिए इसे ब्लेंडर में ब्लेंड करके हम इसका पाउडर निकाल देते हैं प्लेट में। अब एक कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है, बड़ा चम्मच ये घी है, और देखिए मैंने घी को कैसे फैला लिया। अब ये नारियल का पूरा जो है पाउडर किया था ब्लेंडर में, उसको पूरा अच्छे से मैं रोस्ट कर रही हूँ कढ़ाई में। 7 मिनट रोस्ट करने के बाद मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है अच्छे से। इन कढ़ाई को धो के मैंने इसमें थोड़ा सा केसर डाल दिया है, उसको गर्म करने के लिए रख दिया है। देखिए केसर का कलर तभी आता है जब उसको हल्का सा गर्म करेंगे, सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए गर्म करेंगे। मतलब कढ़ाई आपकी गर्म है तो ज़्यादा उसको गर्म नहीं करेगा, नहीं तो केसर जल जाएगा। फिर इंस्टेंटली उसमें दूध डाल दीजिएगा। ये दूध मैंने 2 कप दूध लिया मैंने इसे, और चलाते चलाते कलर एकदम पीला हो जाएगा इसका कलर। देखिए कितना सुंदर सा आया है इसका। उसको अच्छी तरीके से चलाने के बाद मैं इसमें रोस्टेड भुना हुआ नारियल डाल रही हूँ। देखिए जो अच्छे से तरीके से मैंने 7-8 मिनट भुना था नारियल को, वो मैं पाउडर डाल दे रही हूँ एकदम। अब इसको अच्छी तरीके से भूनते जाएंगे हम, चलाते जाएंगे जब तक नारियल जो है हमारा दूध को सोख नहीं लेता, तब तक हम इसको प्रॉपरली चलाएंगे। इसके बाद हम 1 कटोरी चीनी डालेंगे। जो लड्डू बनते हैं हमारे एकदम नरम मुलायम सॉफ्ट से बिल्कुल मावे की तरह लगते हैं बनने के बाद, तैयार होने के बाद। दूध सोख नहीं रहा तब तक इसको चलाते रहें अच्छी तरीके से। मैंने कोई कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल नहीं किया है, बस दूध अच्छी तरीके से जब सूख जाएगा तो मैं 1 कटोरी शक्कर इसमें डाल रही हूँ। एक देखिए कटोरी भी कितनी छोटी सी है, हाँ पूरी शक्कर डाल दी मैंने इसमें। और जब शक्कर घुलने लगेगी तो पानी छोड़ने लगेगी, तो मेक श्योर आप सुखाने में शक्कर का पानी जब तक सूख नहीं जाता उसके बाद ही आप मिल्क पाउडर डालिएगा। ये रेसिपी इतनी आसान है, कम मेहनत की आसान सी रेसिपी। अगर आपको इस रक्षाबंधन या जन्माष्टमी पर बनानी हो तो ये नारियल केसर लड्डू ज़रूर बनाएं। बहुत ही आसान है, कोई झंझट नहीं, कोई कंडेंस मिल्क नहीं बनाना, मार्केट से मावा खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, चाशनी बनाना नहीं है, कलर भी नहीं डालना है। मैंने कलर की बजाय केसर डाला है इसमें। त्योहारों में बहुत सारी मिठाई खाने के बाद हमारा वेट तो गेन होने ही लगता है, इसलिए मेक श्योर आप रोज़ एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज ना करने अगर ना कर पाएँ तो वॉक ज़रूर करें। सोच रहे होंगे कि सौम्या रोज़ मिठाइयों की रेसिपी डालती हैं और ये बनाने के बाद हमारा वेट भी गेन होने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, तो आपका वेट बढ़ेगा नहीं। मिक्सचर हमारा ड्राई हो गया है। अब यहाँ हम 1 पैकेट मिल्क पाउडर और 1½, मतलब टोटल 1.5 पैकेट मिल्क पाउडर मैं डाल रही हूँ यहाँ पे। अच्छे से चलाते हुए भूनते हुए इसको सुखा लेंगे। एकदम ड्राई हो जाने पे हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। चलिए अब बनाते हैं लड्डू तैयार। कटे हुए पिस्ते और डेसिकेटेड कोकोनट को मैंने ले लिया है। पहले लड्डू बनाया, उसके ऊपर डेसिकेटेड कोकोनट लगाया, उसके ऊपर कटे हुए पिस्ते सजावट के लिए गार्निश कर दिए मैंने। एक एक करके मैंने लड्डू बनाया, फिर डेसिकेटेड कोकोनट लगाया, फिर पिस्ते बना दिए। आप चाहे तो ऐसे भी लड्डू बना सकते हैं। देखिए अब मैं ऐसे ही लड्डू बना रही हूँ। अब सबसे पहले लड्डू बनाया, उसके ऊपर पिस्ते की गार्निशिंग कर दी। चलिए अब वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए।